श्री अकाल तख्त साहब तो गुरु महाराज का आसरा लैके आशीर्वाद लैके एक किसान मार्च जी अज श्री अमृतसर साहब तो शुरू हुई है, ये बाद हो जानी है सीधी मार्च गवर्नर हाउस जाऊगी जिथे पंजाब के गवर्नर मेमोरेंडम दिता जाऊगा कि सेंटर की सरकार ते खास करके राष्ट्रपति नूं बेनती है कि आ दो हाउसेज नूं फिर तो बुलाया जाए। देश दे किसान जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि जिहड़ा काला कानून है उन्हां दे बड़ा खिलाफ है ते उस कानून नूं फिर तो रद्द किया जाए ते इसलिए सैशन बुलाया जाए। सो मार्च जिहड़ा है हुणी शुरू हो रहा है ते पूरी संगता एक मार्च इतों शुरू हो रहा है, एक मार्च तक श्री तलवंडी साहब तो शुरू हो रहा है, एक श्री आनंदपुर साहब तो जिमें खालसा पंथ की ट्रडिशन है गुरुआ गुरु नाथ चरणा अरदास बेनती करके वोट हासिल करके आप जो भी काम करते हैं करते हैं तो इसलिए मार्च इतने शुरू हो रहा जे मैनू साइन दिखा दो दिखा दो कहना कहना मैं तुम कहना बड़ा सौखा है प्रूफ दो मैं कह रहा ना श्रोमणी अकाली दल का इतिहास है। असी बादल साहब 16 साल जेलां कटियां किसानां खातर गरीबां खातर सो असी दूजिया पार्टियां मंगने असी शुरू तो पहले तो क्या मैं क्या कि ना सानूं इहदे बारे पुछा गया ना किसी मीटिंग बुलाई गई कैबिनेट असी विरोध किया लिखित दिता हरसिमरत ने उत्थे तो उहदे बाद साडी कोशिश की कि दोनों जथेबंदियों को किसानों की आवाज़ क्योंकि सानू भरोसा दिता गया कि किसानों की आवाज़ जो तुम कहोगे असं पा देंगे एक्ट पर जो नहीं पाया तो असी उस टाइम इस्तीफा देता। देखो जी गल है कि मैं हुण इहदी गल्लां तू तू मैं विच नहीं जाना चाहुंदा मैं तो सारी किसान जथेबंदियां या सारे जो संघर्ष कर रहे हैं मैं सारे बेनती करना कट्ठे होकर संघर्ष करिए कट्ठे एक तो एक 11 हो जाते हैं तो सानू असी सब तो पिछे लगन नूं तैयार हैं एज प्रेजिडेंट अकाली दल कह रहे हैं आपां रिजल्ट चाहिए है। तो इस करके मेरी आई अपील है सारे कट्ठे होइए संघर्ष प्लैन ना करिए सो दैट थोड़ी ताकत का पता लगे तो आप इंडिविजुअली अपना संघर्ष करा वो गल नहीं बनी आ एक तरीका है संघर्ष को खराब करने का जो भी काम खराब करना होता फिर आई एस आई का नाम ले लेंगे। सो कैप्टन साहब जे थोड़े को प्रूफ है तो दसो।